हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है रौनक गुप्ता और आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होता है उसकी जो डिटेल्स होती हैं, चाहे आपका नेम हो, चाहे आपका जेंडर हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी आपका इनकरेक्ट हो रखा है, आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे। सीधे आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लगवाया था, और यहाँ पे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। आप यहाँ पे ओटीपी फुलफिल करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल आपके अकाउंट की दिख जाएंगी। आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा एक ऑप्शन दिया हुआ है रेज एंड इशू, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी चीज में जो भी सुधार करना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी दूसरा थर्ड पार्टी कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अपने रीजन इश्यू से आप अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मैं थोड़ी देर में ये समझा देता हूं। यहां से आप अपना सर्टिफिकेट में नेम, एज, जेंडर और फोटो आईडी चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप अपना जो दो सर्टिफिकेट अगर आ रहे हैं उसको कंबाइन करवा सकते हैं। यहां से आप अपना पासपोर्ट की डिटेल अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर इशू कर सकते हैं, यानी कि शो कर सकते हैं। यहां से आप किसी भी फालतू मेंबर जो आपके मोबाइल नंबर से एड हो गया उसको हटा सकते हैं। यहां से आप अपने मेंबर का मोबाइल नंबर दूसरा नंबर लगवा सकते हैं जिससे वो बार बार आपको कॉल ना करे ओटीपी पूछने के लिए। यहाँ पे आपको जनरेट किया वो सर्टिफिकेट दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। रिवो कैंसिलेशन से आप वैक्सीनेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। फिलहाल में हम आपको बताने वाले हैं कि नेम कैसे, एज और जेंडर, फोटो आईडी कैसे चेंज करें, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे अपने मेंबर को सेलेक्ट करना होगा और सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी डिटेल्स सामने शो कर दी जाएंगी। आप याद रखिएगा, दो से ज्यादा आप अपडेट नहीं कर सकते अपनी चीजों को, यानी कि आप अपनी चेंजेस नहीं कर सकते दो से ज्यादा। आप यहां से अपना नाम चेंज कर सकते हैं, यहां से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, यहां से आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, यहां से आप अपने फोटो आईडी यानी कि आधार कार्ड नंबर चेंज कर सकते हैं। आप पेंसिल ड्यू आइकन पर क्लिक करेंगे और जो भी चेंजेस करने हैं उस पर चेंजेस कर देंगे। चेंजेस करने के बाद आपको नीचे यहाँ फोटो आईडी अपना अपलोड करना होगा। अगर आप फोटो आईडी अपलोड करें तो आप 1 MB से ज्यादा का अपलोड ना करें, या तो जेपीजी फाइल हो या पीएनजी फाइल हो, जो भी जैसा सुटेबल लगे आप लोगों को। आपका जो भी चेंजेस होगा 48 आवर में अपडेट कर दिया जाएगा आपके कोवैक्सीन सर्टिफिकेट पे। सीधा फिर यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है या तो मेल करके या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।